नमस्कार मेरे मित्र किसान साथियों, आज हम धान में लगने वाले माहों पर कंट्रोल के लिए तीन सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपकी पहली दवाई जो कि है चेस, जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है। यह बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड है जो कि माहों के साथ साथ अन्य सभी चूसा कीटों पर कंट्रोल करता है। यह स्पेशल रूप से काला माहों और भूरा माहों पर कंट्रोल करता है। इसकी टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें है पैरामेट्रोजन जो कि 50% WG फॉर्म में आती है, अर्थात यह पाउडर फॉर्म में आती है। यह एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट रूप की इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा यह ट्रांसलोकेशन मेनिया मोटिवेशनल वाली दवाई है जो कि पत्तियों में आसानी से फैल जाती है और पूरी तरह से पौधों पर पहुंच जाता है। यह एक घंटे के अंदर ही अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर देता है। यह माहों को लकवा ग्रस्त कर देता है जिससे यह खाना बंद कर देती है और ख़त्म हो जाती है। इसके हम डोज की बात करें तो यह 120 ग्राम प्रति एकड़, जिसे 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होगा। इसकी कीमत की हम बात करें तो जो 120 रुपये की जो पैकिंग है आपको 800 रुपये के आसपास तक मिल जाएगी, जिसका रिजल्ट टाइम आपको 15 से 20 दिन तक आसानी से दिखाई देगी। दूसरी दवाई है जो कि है आंधी इंसेक्टिसाइड, जो कि भारत इंसेक्टिसाइड की आती है। इसका टेक्निकल हम देखें तो इसमें है BPMC फेनेबू कार्ब, जो कि 50% EC फॉर्म में आता है। यह लिक्विड फॉर्म में आता है। यह बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके पूर्ण टेक्निकल को देखें हम तो इसमें है टूब्रोमोन टू फेनाइल एंड मेथाइल कार्बोनेल फेनेबू कार्ब 50% EC। यह माहों पर बहुत ही अच्छी कंट्रोल देता है। यह भूरे माहों और काला माहों दोनों पर बहुत ही अच्छी कंट्रोल देता है। इसकी हम मात्रा की बात करें तो यह 250 ml प्रति एकड़ के रूप में आपको छिड़काव करना होगा, जिसके लिए 180 से 200 लीटर पानी की आपको मात्रा रखनी होगी। यदि आप रेत में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो यह 500 ml प्रति एकड़ के रूप में आपको छिड़काव करना होगा। इसके रिजल्ट टाइमिंग आपको 10 से 15 दिन तक देखने को मिलेगी। एक लीटर की जो पैकिंग है आपको 600 रुपये के आसपास तक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, ये है तीसरी दवाई जो कि माहों के लिए बहुत ही अच्छी है, उसकी हम बात करें। यह जो है इंडो गल्फ ग्रुप की सवेरा इंसेक्टिसाइड, जो कि BPH और WBPH पर बहुत ही अच्छी कंट्रोल करता है। इसके हम टेक्निकल की हम बात करें जिसमें है थायमेथोक्साम 30% FS, जो को गहरे लाल कलर के रूप में आती है। बहुत ही अच्छी दवाई है, जो कि WBPH वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर और BPH ब्राउन प्लांट हॉपर पर बहुत ही अच्छी कंट्रोल देता है। इसकी हम मात्रा की बात करें तो यह आपको 250 ml प्रति एकड़, जिसके लिए 150 से 180 लीटर पानी मिलाकर आपको छिड़काव करना होगा। जिसकी हम कीमत की बात करें तो ये आपको 350 से 400 रुपये के आसपास आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। रिजल्ट टाइम यह आपको 10 से 12 दिन तक रिजल्ट टाइमिंग देती है। तो आप यदि चाहें तो सिंजेंटा की चेस और इंडो गल्फ की सवेरा, इन दोनों को भी आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। यह आप दोनों यदि मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इस पर यह बेस्ट कंट्रोल दिखाई देगी मित्रों। तो जी हाँ, ये थी मेरी वीडियो जिसमें आपने देखा कि आपके धान में लगने वाले WBPH और BPH माहों पर कौन कौन सी दवाई है जो बहुत ही अच्छी कंट्रोल देती है। ये थी टॉप 3 दवाई। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।